इस वीडियो में बैठ सकते हैं हम लोग पढ़ने वाले क्लास टेंथ मंथली एग्जामिनेशन जो मेरे बैठ सकते आपको कल होने वाला है साइंस का पेपर, ठीक है। संपूर्ण मेरे बैठ सकते आप लोग देखिएगा, 1 से 30 तक मेरे बैठ सकते ऑब्जेक्टिव आप एक नज़र देख कर जाइए और एग्जाम में 1 से 30 नंबर तक लेके आइए, ठीक है। तो चलिए मेरे बैठ सकते शुरू करते हैं हम लोग फटाफट करते हैं, ठीक है। 1 से 30 तक बस एक नज़र आप देख के जाइए और एग्जाम में 30 से 30 नंबर लेके आइए। मेरे पास तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल को अभिक्रिया कराया जा रहा है सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बताएं प्रश्न, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो क्या है जी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसकी उपस्थिति में प्रश्न, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में क्या निर्माण होता है बताइए, ग्लूकोज का निर्माण होता है प्रश्न, ठीक है, और प्लस में ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो ये अभिक्रिया क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया पता है प्रश्न की, जब वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वियोजन में भी प्रश्न टूटने पे, ठीक है, याद रखिएगा, एकल विस्थापन में प्रश्न हो जिसका क्या होता है किसी का स्थान ग्रहण कर लेता है, लेकिन हम इतना विस्तार से नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ आंसर बताएंगे, एक नजर आप देखते जाइएगा, एग्जाम में प्रश्न आपको आज ही आने वाला है। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेरे प्रश्न उत्तरदायी गैस कौन सा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो ये मेरे प्रश्न कौन सा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको सूक्ष्म बर्फ भी बोला जाता है। ओजोन का अनुसूत्र क्या है, ओजोन का अनुसूत्र क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में इसी बार आया है, ठीक है, O3। चलिए, सोडियम की संयोजकता क्या है, प्रश्न हो सोडियम की संयोजकता क्या है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर में प्रश्न हो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है 11, ठीक है, तो देखिए 2, 8, 1 लास्ट इसकी बात हम कक्षा में कितना परमाणु है 1, यानी संयोजकता कितना होगा 1। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा, प्रश्न हो लाल को नीला कर रहा है, समझ रहे हैं, लाल है उसे नीला कर रहा है, यानी मेरे प्रश्न हो 7 से अधिक होगा, ठीक है, 7 से अधिक होगा यानी क्षार होगा, क्लियर। और यहीं पे मेरे प्रश्न हो नीला से अगर लाल रहता तो क्या रहता, अम्ल होता, यानी 7 से कम, 7 कोई बिलियन का पीएच मान होता है तो उदासीन होता है। पीएच का मतलब होता है प्रश्न हो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए आगे देखेंगे, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, देखिएगा ये सब क्वेश्चन प्रश्न आपको बोर्ड में भी पूछा जाएगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पर तो ध्यान से बनाना ही है और आपको याद भी रखना है, ये उष्मा क्षेपी होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 7 नंबर देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि जल में क्या होता है, तो वो होता है मेरे प्रश्न आयनित होता है, ठीक है। समान ताप पर द्रव अवस्था में स्थिर रहने वाले धातु और अधातु युग्म है, आपको एक धातु भी बताना है और एक अधातु युग्म बताना है, तो क्या है, पारा और ब्रोमीन, पारा और ब्रोमीन। चलिए 9 नंबर देखेंगे मेरे साथियों, Fe2O3 प्लस Al एल्यूमिनियम से अभिक्रिया किया गया है, ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें बताइए कितने पदार्थ मिले हैं जी, 2, ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्या है मेरे साथियों, विस्थापन अभिक्रिया, 9 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, जैसे एक नाइट्रोजन ये हो गया और एक ये हो गया, इसके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तो 3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, और यहीं पे ऑक्सीजन आपसे पूछ दे तो 2, ठीक है, और यहीं से आपको हाइड्रोजन पूछ दे तो 1। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो यहाँ पे एल्कीन यानी बंड रहेगा CnH2n, यहाँ पे मेरे पास एल्केन बोलता तो प्लस वाला लेते, एल्काइन बोलता तो माइनस वाला लेते, ये नहीं होगा। चलिए, कार्बन अधातु आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य है, जो कार्बन है मेरे प्यार साथियों आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाता है बताइए, वर्ग आपको पता होगा 1 से 18 तक, मेरे प्यार साथियों आवर्त कितना होता है 7, वर्ग कितना होगा 18, 1 से लेकर 18 तक होता है, तो कौन सा आवर्त सारणी का सदस्य है, तो यह मेरे प्यार साथियों वर्ग 14 में। चलिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको बहुत बार हम बताए हैं मेरे प्यार साथियों CaSO4 2H2O, ये हो गया जिप्सम का रासायनिक सूत्र, और यहीं पे मेरे प्यार साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा CaSO4 1/2H2O, ठीक है, और ये मेरे प्यार साथियों नीला तुतिया का हो जाता है, याद रखिएगा CaSO4 वहां पे होता है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होती है, धातुओं के ऑक्साइड मेरे प्यार साथियों क्षारीय होता है यानी भाष्मिक होता है, और अधातु यहाँ पे रहेगा तो अम्लीय। चलिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, आपको पता है जिसमें दोनों के गुण पाया जाता है धातु और अधातु का, उसी को मेरे प्रश्न उपधातु कहते हैं, तो SB, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
आवर्त सारणी के सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व मेरे प्यार साथियों कौन सा है? तो 16 का फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं जी, तो वो है फ्लोरीन। ये कई बार बिहार बोर्ड के द्वारा बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर रहा, बोले थे कि नीला को लाल, चेहरा आपका नीला मेरे प्यार साथियों, उस पर हम एसिड दे देंगे तो आप गुस्सा से क्या हो जाएगा, लाल हो जाइएगा, यानी मेरे प्यार साथियों अम्ल होगा, यानी 7 से कम इसमें कौन है? देखिए ये तो उदासीन है, ये क्षारीय है, ये भी क्षारीय है, 7 से कम 4 है, यानी 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही मस्त है मेरे प्यार साथियों, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरणपुंज होगा। देखिए ये सिर्फ आपका हाई स्कूल का एग्जाम मंथली एग्जाम में नहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे प्यार साथियों, टोटल के टोटल बिहार बोर्ड जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी लोग देख के जाइएगा, आप सारी होगा ठीक है। चलिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है जी? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चलिए विभक्त विलय प्रयुक्त होता है, 20 नंबर बताइए। अब बस मेरे प्यार साथियों 2 मिनट का वीडियो और रह गया आप सभी के सामने, तो इसका राइट आंसर दूंगा मैं प्रश्न मोटर में। चलिए पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है? बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है मेरे कमांडो, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि हम ही बताते, ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लघु पथन के समय परिपथ का मान होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है प्रश्न, तो परिपथ में मान क्या होगा? और अधिक बढ़ जाता है सर, तभी तो टीवी पंखा जल जाता है ना जी, और उसको सुरक्षा कौन करता है प्रश्न, सुरक्षा कौन होता है? तो फ्यूज होता है। चलिए चित्र में ए आपको दिया गया है, पूरा मेरे प्यार साथियों पढ़िएगा आप, चित्र आपको किसके नियम लग रहा है? ओम के नियम के तौर का जी दिख रहा है, इसी प्रकार चित्र होता है उसमें भी, इसका राइट आंसर मेरे प्यार साथियों बी, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए वोल्टता V1 शक्ति P1 एवं प्रतिरोधक मेरे प्यार साथियों वोल्टता V2 एवं शक्ति P2, तो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका समतुल प्रतिरोध, श्रेणी क्रम के सूत्र आप लोग जानते ही मेरे प्यार साथियों क्या होता है जी, बता दीजिए, तो V1 बटा बताइए V2 अलग अलग है, बहुत ही अच्छा। चलिए तो 24 का राइट आंसर मेरे प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए, V1 बटा P1 प्लस V2 बटा P2। चलिए देखिए दू को आपको दिया गया है, ठीक है, इसको आपको निकालना होगा, ये नोमेरिकल टाइप का, इसका आंसर हम आप सिर्फ आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी, एक नजर सिर्फ आप देख कर जाइए एग्जाम, ठीक है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी मेरे प्यार साथियों विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करेगी? तो वो चुंबकीय प्रभाव पे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 27 नंबर, बॉक्स टाइप और सोलर कूलर के ऊपर भाग में कांच का ढक्कन रहता है, देखेंगे बॉक्स जो टाइप होता है प्रश्न, कुकर होता है ना कुकर, उसके ऊपर एक कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है, आपसे सिंपल पूछा जा रहा है, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, विवेक कारण ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखेंगे, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु दर्पण की दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? इसका राइट आंसर कुछ निश्चित नहीं होगा। अब देखेंगे हम लोग 29 नंबर प्रश्न, यदि अवतल दर्पण के निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा मेरे प्यार साथियों, तो कम चमकीला बनेगा, ठीक है। अब लास्ट बन चुके हैं मेरे प्यार साथियों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यार साथियों, क्योंकि यहाँ पे क्रैश कोर्स लेके हम आ गए हैं, आपको सभी छोटा बड़ा मेरे प्यार साथियों क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, उससे पहले सुपरहिट केस क्वेश्चन देंगे मेरे प्यार साथियों, तो इसीलिए अगर आप क्लास 10th में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, सर कम टाइम है, बहुत बस वही सटीक क्वेश्चन पढ़े जो बोर्ड में आता है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना होगा मेरे प्यार साथियों, ठीक है। और देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? नवीकरणीय अनवीकरणीय आपको पता ही होगा, जिसको हम लोग निर्माण कर सकते हैं उसे नवीकरणीय, जिसे नहीं प्राप्त कर सकते उसे अनवीकरणीय, तो 30 नंबर का आप लोग बता दीजिएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। चलिए मेरे प्यारे, तो इस प्रकार हम लोग 1 से 30 तक हल कर लिए, आशा करते हैं कि आपको बेहतर लगा होगा, और आज एग्जाम में आप लोग सभी लोग जाके वोट दीजिएगा, ठीक है। तो हाउ द जोश बच्चे हो? तो हाय सर। चलिए सभी को मेरे प्यार साथियों बेस्ट ऑफ द लक, ठीक है, मिलते हैं मेरे प्यार साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।